हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग दिस इज नाजिया और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर आई वेलकम यू ऑल टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस हमने हमारे लास्ट सेशन में वॉइस दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिया है और जैसा कि मैंने कहा था कि इस सेशन से हम पढ़ेंगे नरेशन दैट इज डेक्ट स्पीच एंड इनडिरेक्ट स्पीच तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से पार्ट वन है शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन ये हमारे चैनल के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं तो हम शुरू करते हैं नरेशन नरेशन शब्द को हम हिंदी में कथन भी कहते हैं बेसिकली और इस ये जो नरेशन एक वर्ड है इसका बेसिकली वर्ड का बोल सकते हैं निर्माण हुआ है नरेट शब्द से और नरेट शब्द का लिटरल मीनिंग होता ही है टू से समथिंग और टू स्टेट समथिंग सिंपली कहने का मतलब है किसी बात को कहना या अपने अपनी बातों को कहना बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे नरेशन दो टाइप्स के होते हैं जैसे कि मैंने सेशन के हेडिंग में भी डाला हुआ है डायरेक्ट uh, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो हम देखते हैं बेसिकली नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल की हेल्प से ही समझाऊंगी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है आप देख सकते हैं दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं एक जो सेंटेंस है पहला वाला वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो इसको रीड करते हैं फर्स्ट वाला सेंटेंस देखें डेविड सेड आई एम बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर यू ठीक है सेकेंड सेंटेंस देखें डेविड सेड दैट ही वॉज बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर मी अब आपको इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग अलग लग रहे होंगे लेकिन इनके मीनिंग में कोई अंतर नहीं है बेसिकली आप समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है तो फर्स्ट वाला जो है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और सेकेंड वाला इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेविड ने जो जो भी बातें कही कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बना रहा हूं या बेक कर रहा हूँ तो डेविड ने अपने सेंटेंस को जिस तरह से कहा उस पे कोई भी चेंजेस ना करते हुए हमने सिंपली उसको यहाँ पे स्टेट कर दिया है और सेकंड वाले सेंटेंस में डेविड ने जो कहा उसको हम अपने वर्ड्स में बता रहे हैं कि डेविड ने कहा कि वह मेरे लिए चॉकलेट केक बना रहा था ठीक है यहाँ पे टेंस बदल जाएगा ठीक है मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है तो जब भी कोई बोल सकते हैं लिसनर या ऑडियंस जिसको बोल सकते हैं हम किसी स्पीकर मतलब वक्ता या बोलने वाले के स्टेटमेंट को के कथन को स्पीकर uh, के शब्दों या भाषा में डायरेक्टली एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करता है तो वहाँ पे हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा कि डेविड की कही हुई बातों को हमने डेविड के वर्ड्स में ही डायरेक्टली यहाँ पे हमने मेंशन किया स्टेट किया तो जब ही भी हम व्हेन वी कंसिडर दिस टू सेंटेंसेस वी माइट नोटिस दैट बोथ ऑफ देम कन्वे द सेम मैसेज दोनों से सेम मैसेज निकल कर आ रहा है बट देर इज अ डिफरेंस इफ वी लुक क्लोजली

टू कन्वे द एक्टिविटीज ऑफ द स्पीकर टू द ऑडियंस या फिर लिसनर हम अपने वर्ड्स में लिस्नर uh, या श्रोता या ऑडियंस को बता रहे हैं अपने वर्ड्स में कि डेविड ने क्या कहा ठीक है तो बेसिकली इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं आप इसको याद रखिएगा आपको मैं ये चीज इसलिए याद रखने बोल रही हूँ बिकॉज जब भी हम आगे चल के नरेशन को और डिटेल से पढ़ेंगे तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच तो आप इसको याद रखें कि बेसिकली आप ये वाले को ज्यादा याद रखें इनडिरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हम किस तरह से लिखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हम किस तरह से लिखते हैं तो बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब भी कोई ऑडियंस या फिर लिसनर या श्रोता जिसे कहते हैं जो सुनने वाला है किसी भी स्पीकर या वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या अपने भाषा में एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है ठीक है और आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि बेसिकली uh, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वहां पे जो कही गई सेंटेंस है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से यहाँ पे रखते हैं और वही चीज़ क्या होता है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उस पर्टिकुलर कथन को या नरेशन को या नरेशन सेंटेंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इन इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटा देते हैं ठीक है और वो किसी ना किसी चीज़ से सब्सिट्यूट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है तो आगे देखते हैं हम अभी यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग दोनों को लिखा हुआ है बेसिकली नरेशन स्टेटमेंट क्या होता है अब मैंने आपको बताया कि इस पूरे ही चैप्टर का नाम नरेशन है तो नरेशन सेंटेंस क्या होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है स्पीकर है या वक्ता है जो एक या एक से ज्यादा लिस्नर सुनने वाले वाले के लिए कहा गया हो ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज ने मीरा से कहा राज सेट टू मीरा कम हियर नाउ ठीक है राज ने मीरा से कहा कम हियर नाउ अभी यहाँ पर आओ ठीक है हरी सेस टू शीला यू हैव डन इट तो एक पर्सन ने एक सब्जेक्ट ने या एक स्पीकर ने दूसरे आ, कह सकते हैं लिसनर को अपनी बातें एक या एक से ज्यादा लिसनर को अपनी बातों को कह रहे हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं नरेशन सेंटेंस कहते हैं तो इसी तरह के नरेशन सेंटेंसेस हमको मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है नरेशन सेंटेंस का एग्जाम्पल है उसके बाद आप देखें दोनों ही आ, जो पार्ट हैं नरेशन के डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच उनको अलग अलग करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है आप ध्यान दें वेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस स्टेट समथिंग टू द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जब भी आ, जो स्टेटमेंट है उसमें जो सब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को अपनी कोई बात कह रहा है तो वहां पे हम पर्टिकुलरली डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं जहां पे सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट को जो कुछ भी कह रहा है उसको हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के या स्पीकर के वर्ड्स में ही एक्सप्रेस करते हैं जैसे यहां पे आप लिखा हुआ है, देख सकते हैं ही सेट टू मी डू दिस इंस्टेंटली तो ही सब्जेक्ट है मी ऑब्जेक्ट है और ये जो स्टेटमेंट है ठीक है इसको हम बेसिकली कहते हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना इसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच ठीक है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और ये पर्टिकुलर जो पाव जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्पीकर के द्वारा लिसनर को बोला गया है और अपने ओन वर्ड्स में हम जहाँ पे रखते हैं उसमें हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ठीक है द फादर सेट टू सन फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फादर ने सन को बोला स्टडी हार्ड अब ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच जहाँ पे हम बेसिकली uh, जो स्पीकर uh, है स्पीकर के शब्दों या भा, भा, जो शब्दों या फिर जो उनका स्टेटमेंट है उसको हम डिरेक्टली

ही टोल्ड मी जो सेड वर्ड है वो टोल्ड बन जाएगा ठीक है ही टोल्ड मी टू डू दैट इंस्टेंटली यहाँ पे हम डिरेक्टली बता रहे हैं कि सेड टू मी डू दिस इंस्टेंटली उसने मुझसे कहा डू दिस इंस्टेंटली इसे अभी के अभी करो ठीक है ऐसा उसने कहा होगा ठीक है बिल्कुल इसी वर्ड्स में बट यहाँ पे हम अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं ही टोल्ड मी टू डू दैट इंस्टेंटली उसने मुझसे यह काम को तुरंत ही इंस्टेंटली ही करने को कहा तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में अपने वर्ड्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है उनकी कही हुई बातों को हम सब्जेक्ट की कही हुई बातों को हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और कोई भी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये बेसिकली एक बेसिक सेशन है नरेशन का ये पार्ट वन है तो मैं यहाँ आपको पहले बेस क्लियर करूंगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी उसके बाद हम रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे मैं जो छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ बेसिकली जिस

अच्छे से पढ़ाई करने के लिए ठीक है ये मैंने थोड़ा सा अलग वे में हिंदी में बोल दिया बट बेसिकली मीनिंग यही निकल कर आएगा ठीक है उसके बाद आप देखें यहां पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं कुछ डायरेक्ट स्पीच में लिया हुआ है कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में लिया हुआ है तो हम लेट uh, लेट इस गो थ्रू ऑल दिस सेंटेंसेस ये पूरे नरेशन सेंटेंस को एक एक करके हम देखते हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपका बेस क्लियर करते हुए वन वन आपको समझाती भी चलती हूँ कि कैसे डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज एग्जाम में आपका इसी तरह से आ सकता है हो सकता है डायरेक्ट uh, स्पीच में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करना है या फिर कहीं पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो आपको अप्रोप्रिएट फिलर्स के रूप में भी वो एन क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली आ सकता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन तो डायरेक्ट स्पीच में पहला वाला क्या लिखा हुआ है जॉर्ज सेड अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ना डायरेक्ट स्पीच का ये डायरेक्ट स्पीच है ठीक है अब किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा हुआ है मतलब डायरेक्ट स्पीच है ठीक है ये जो पार्ट है ठीक है ये जो पहला वाला पार्ट है कॉमा से पहले वाला पार्ट इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जिसको हम इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कहते हैं यहाँ पे जो भी बोलना है या जो भी बोला गया है स्पीकर के द्वारा उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने स्पीच को तो इसे इंट्रोड्यूसिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं बेसिकली ठीक है तो ये हो गया अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ आपको याद रखना है अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये बताया जा रहा है कि बोला क्या गया आई कैनॉट बी विथ यू ठीक है तो ये क्या हो गया ये जो पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच ठीक है ध्यान रखें रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच याद रखें ठीक है अब जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके टेंसेस बदल जाते हैं ठीक है टेंसेज बदल जाते हैं किस तरह से अब आप देखिए यहाँ सेट लिखा हुआ है मतलब सिंपल पास्ट टेंस में कोई बात कही गई है तो जब भी, भी कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा तो जब वो कन्वर्ट भी होगा ना तो भी वो सिंपल पास्ट में ही रहेगा ठीक है अभी मैं आपको रूल्स की हेल्प से नहीं समझा रही हूँ जैसा जहाँ पे जो सेंटेंस है उसको उसी तरह से मैं आपको समझा रही हूँ इसके नेक्स्ट सेशन में जब हम सेकेंड सेशन से पढ़ेंगे ना तो रूल्स के साथ वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी कि कैसा सेंटेंस रहेगा तो वहां पे कैसे उसको कन्वर्ट करना है तो यहां पे देखिए जॉर्ज सेड अब यहां पे लग जाएगा दैट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना जॉर्ज ने कहा कि की, की जो बोलते हैं ना वो यहां पे दैट का, का काम कर रहा है ठीक है जॉर्ज सेड दैट अब आपको ध्यान देना है आई कैन नॉट बी विथ यू जॉर्ज ने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो जॉर्ज सेड आई कैन नॉट बी विथ यू तो ये जो प्रोनाउंस है ना इन पे ध्यान दीजिएगा आई जो है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ठीक है तो यहाँ पे जो आई है ये जॉर्ज के लिए यूज हुआ है और यू उसके लिए यूज हुआ है जो सुन रहा है यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है जॉर्ज सेड टू ऐसा करके मान लीजिए दिया रहता जॉर्ज सेड टू मी है ना या जॉर्ज सेट टू एक्स वाई जी किसी और का नाम दिया रहता थर्ड पर्सन का बट यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे हम सिंपली uh, यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि कोई एक लिसनर है जिसके लिए यहाँ पे यू का यूज किया गया है तो अब आप देखिएगा इसको चेंज कैसे करते हैं हम ठीक है अब यहाँ पे ये यह चेंज कैसे होगा आई जो है वो ही में बदल जाएगा बिकॉज अभी हम जॉर्ज की कही हुई बातों को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा तो जॉर्ज इज अ बॉय है ना मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे ही यूज करेंगे अब कैनॉट बी जो है वो कुड नॉट बी मतलब सिंपली पास टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे विथ यू कन्वर्ट हो जाएगा विथ मी में मतलब मुझे कह रहा है ठीक है अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना इसमें मैं लिसनर हूँ बट अभी बता रही हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो मैं बताऊंगी कि जॉर्ज ने मुझको ऐसा कहा ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा मी जॉर्ज सेड दैट ही कुड नॉट बी कुछ मी जॉर्ज ने कहा कि वह मेरे साथ नहीं रह सकता ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ जॉर्ज की कई बातों को बता रहे हैं कि जॉर्ज सेड मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और यहाँ पे हम बता रहे हैं जॉर्ज ने कहा कि वह मेरे साथ नहीं रह सकता इनडायरेक्ट वे में बता रही हूँ मैं खुद बता रही हूँ मुझसे ही जॉर्ज ने कहा है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा मी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना सेड के बाद टू मी आप मान सकते हैं कि यहाँ पे टू मी हिडन है जॉर्ज सेड टू मी मतलब मुझसे ही वो ये बात कह रहा है ठीक है अब आप ध्यान दें यहाँ पे आई सेड लीव मी ठीक है मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो ठीक है तो यहाँ पे जब आप देखें एक तरह से मैं इसको ऑर्डर दे रही हूँ ठीक है अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जब पढ़ाऊंगी ना तब सारी चीजें बताऊंगी कि, कि किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस कहा गया है तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड यूज करेंगे रिक्वेस्टेड सजेस्टेड क्वेश्चन आज अलग अलग तरह के हम वर्ड्स यूज करेंगे सिचुएशन के हिसाब से मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो बात कही गई है उसके कंटेक्स्ट में उसके रिगार्ड में हम क्या किस तरह के पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दें यहाँ लिखा हुआ आई सेड लीव मी मतलब मैंने ऑर्डर देते हुए कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो तो आई ऑर्डर टू लीव मी या फिर यहाँ पे अलोन भी लगा हुआ है अलोन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ठीक है अब यहाँ पे आई और मी दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे ठीक है यहाँ लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज सेम सो इज नो चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें भी मैं ही बोल रही हूँ और लीव मी में जो मी है वो भी मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ रिपोर्टेड स्पीच में इसलिए यहाँ पे आई और मी में कोई मतलब चेंजेस नहीं आया हुआ है ठीक है अब आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है दे सेड ंग टू नाइट उन्होंने कहा हम आज रात को पार्टी करेंगे ऐसा कहा ठीक है इन में हम कैसे लिखेंगे दे सेट दैट ये दैट आपको लगाना है हर जगह तो आपको नहीं लगाना है ठीक है जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगी बट बेसिकली आप ध्यान दें कि जब कुछ बेसिक सेन्टेंसेस से आएंगे तो आपको ये दैट लग, लगाना है मतलब दे सेट दैट उन्होंने कहा कि अब क्या कहा दे वुड बी पार्टिंग दैट नाइट है ना अब यहां पे वी जो है अभी तो वो खुद बोल रहे थे अपने वर्ड्स में हम उनकी बातों का एक्सप्रेस कर रहे थे तो हम आज रात पार्टी करेंगे तो अभी जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे कि उन्होंने कहा कि वे आज रात पार्टी करने वाले हैं ठीक है तो वे वे मतलब दे दे का दे हो जाएगा ठीक है यहाँ पे विल भी का हो जाएगा वुड बी पार्टी टू नाइट tonight टू नाइट मतलब आज की रात तो जब भी आज की रात हो आज की रात की बात होगी ना मतलब टू नाइट की बात होगी तो इसको भी हमको मतलब कैसे चेंज करके लिखना है दैट नाइट ठीक है अगर मान लीजिए हम येस्टरडे कल की बात कर रहे हैं तो हम कैसे चेंज करेंगे प्रीवियस डे टुमरो की बात करेंगे तो फॉलोइंग डे ठीक है या फिर कभी कभी टुडे अगर जब हम लिखते हैं तो द सेम डे ऐसा भी लिखते हैं तो जब टुनाइट लिखेंगे तो आप याद रखिए इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली ठीक है टुनाइट वर्ड आया है तो दैट नाइट आपको दैट नाइट मतलब जिस दिन वो बात कर रहे हैं जिस जिस टाइम पे बात कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर दिन का जो रात होगा इस उसी टाइम दैट नाइट मतलब उसी रात को वो पार्टी करने वाले हैं इस तरह से आप समझिएगा ठीक है तो ये हो गया दे दैट दे वुड बी पार्टिंग विल बी कन्वर्ट हो जाएगा पास टेंस में वुड बी में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ आई टोल्ड जॉर्ज अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया हुआ है ना जैसे मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है और जिससे कहा जा रहा है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है ठीक है आई टोल्ड जॉर्ज यू शुड स्टे तुम्हें रुकना चाहिए आई टोल्ड जॉर्ज ये सेम रहेगा दैट लग जाएगा You should stay. सामने वाले को हम बोल रहे हैं जॉर्ज को बोल रहे हैं तो बेसिकली प्रोनाउन होगा ही होगा और शुड और शुड ऑलरेडी पास में है और स्टे हो जाएगा आई टोल्ड जॉर्ज ही शुड स्टे दैट ही शुड स्टे ठीक है उसके बाद आप देखें मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है शी आज अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस आया है हाउ आर यू डूइंग टूडे ठीक है हाउ आर यू डूइंग टूडे She asked me. अब यहाँ पे आज पहले से ही लिखा हुआ है ठीक है अब इसको क्या कर दिए शी मी मुझसे पूछ रही है हाउ आर यू यहाँ पे मैंशन नहीं है ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे मी मतलब मुझसे ही पूछ रही है ठीक है शी मी हाउ आई वॉज यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक है जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक तो ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ मैं आपको और भी एग्जाम्पल समझाऊंगी फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दें क्या लिखा हुआ है हाउ आर यू डूइंग तो जब इसको क्वेश्चन में पूछेंगे तो वो तो हम क्या बताएंगे कि उसने कि उसने मुझसे पूछा ठीक है हाउ आई वॉज डूइंग दैट डे ठीक है जैसे मैंने अभी आपको टू नाइट का दैट नाइट बताया था ना वैसे ही टूडे का आप दैट डे लिख सकते हैं आप टूडे का दैट डे लिखेंगे हाउ आई वॉज डूइंग अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस था आर था यहाँ पे और डूइंग था आर इसलिए था क्योंकि यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यूज हुआ है और आर डूइंग ठीक है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था और प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल गया पास्ट कंटिन्यूस में तो हाउ आई वाज डूइंग और ये हो जाएगा टुडे का दैट डे ठीक है अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा हो सकता है जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नरेशन uh, के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा तो उन्हें अभी हो सकता है पूरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन आई रियली होप कि जब मैं आप इसका नेक्स्ट सेशन बनाऊंगी तो वहाँ पर मैं रूल्स के साथ आपको और अच्छे से समझाऊंगी यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक सा सेशन मैं ले रही हूँ ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी क्वेरी अपनी रख सकते हैं मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी ठीक है तो यहाँ पे हो गया शी आज मी हाउ आई वॉज डूइंग दैट डे उसके बाद आप नेक्स्ट देखें रॉबर्ट ने क्या कहा रॉबर्ट ने मुझसे कहा क्योंकि यहाँ पे जैसे यू लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मुझसे ही कह रहा है मतलब रॉबर्ट सेड टू टू मी तू मी अगर नहीं भी लिखा है तो आप उसे डिफॉल्ट वहां पे कंसिडर करेंगे कैन यू पुल मी अप कैन यू पुल मी अप मतलब क्या तुम मुझे ऊपर खींच सकते हो ठीक है रॉबर्ट आर्ज अब आर्ड क्यों लिखे क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम अपने आप से अपना तुरंत दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर्ज अब पे if का यूज ज्यादा ज्यादा सेंटेंस में जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपनी बात को लिखते हैं तो हम इफ का यूज करते हैं इफ का यूज करते हैं तो उसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ कर सकते हो ठीक है इफ आई कुम अप मतलब उसने मुझे अः बेसिकली रॉबर्ट ने मुझे पूछा या मुझसे एक तरह से रिक्वेस्टिंग मोड में पूछा है ठीक है तो रॉबर्ट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे ऊपर खींच सकता हूं ठीक है इफ आई कुड पुल हिम अप मुझसे पूछा है ना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि ये यू जो है वो किसके लिए यूज हुआ है मेरे लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ आई कुड पुल हिम अप मी मतलब ये अभी रॉबर्ट के लिए यूज हो रहा है अपने लिए बोल रहा है वो पुल मी अप तो यहाँ पे आपको ध्यान लगाना होगा कि ये किसके लिए यूज हुआ है आपको प्रोनाउन लगाते समय आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज दिमाग में लानी होगी कि वो पर्टिकुलर प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है ठीक है रॉबर्ट के लिए यूज हो रहा है तो आप हेम लगाएंगे वहां पे अकॉर्डिंगली यहां आपको पता है कि ये मेरे खुद के लिए यूज हो रहा है और अभी सेंटेंस भी मैं ही बोल रही हूँ तो यहाँ पे आई हो जाएगा ठीक है कैन यहाँ पे देख सकते हैं कैन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुड में पुल मी अप हो जाएगा पुल हिम अप में और ये क्वेश्चन सेंटेंस था लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाएगा यहाँ पर से हम क्वेश्चन मार्क बिल्कुल हटा देंगे ठीक है और यहाँ पे हमने यूज किया है इफ अभी आपको हो सकता है कि उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो बट मैं जब इस तरह की और भी सिमिलर एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगी तो आई रियली होप एंड आई बिलीव कि आपको जरूर से समझ में आएगा यहाँ पे देखिये मैंने और क्या लिया हुआ है तो इस सेशन में मैंने इतना ही लिया हुआ है ठीक है और ये सेशन था एक बेसिक सा सेशन नरेशन का जिसमें हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है तो बेसिकली आप थोड़ा तो सा ध्यान दें कि डायरेक्ट स्पीच तब यूज होता है वेन द वर्ड स्पोकन और रिटन डाउन आर एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाई पर्सन कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन के द्वारा बोले गए उनके एक्चुअल वर्ड्स को हम कहते हैं या लिखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे रिपोर्ट स्पीच भी कहते हैं वो कब यूज होता है रिपोर्ट्स इसका कहने का मतलब क्या है ही वर्ड इन एन अप्रोप्रिएट टेंस एंड रेफर टू ओरिजिनल स्पीकर और राइटर इन थर्ड पर्सन मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि किसी और के द्वारा बोले गए सेंटेंस को या सब्जेक्ट के द्वारा या स्पीकर के द्वारा बोले गए सेंटेंस को अपने वर्ड्स में लिखना या फिर बोलना अप्रोप्रिएट टेंस या सुटेबल टेंस का इस्तेमाल करते हुए ठीक है और ओरिजिनल स्पीकर को रेफर करते हुए कि, कि किस पर्टिकुलर स्पीकर ने ऐसा बोला है और जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो वहां पे हम लगाएंगे और क्या क्या चेंजेस होंगे कौन कौन से नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे मैं आपको अगले सेशन में रूल्स से बताऊंगी वन बाई वन हम डील करेंगे और हर तरह के सेंटेंस में हर तरह के सेंटेंस में वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट होगा और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है पास्ट टेंस आ रहा है और फ्यूचर टेंस आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करके किस तरह से लिखेंगे किन में चेंजेस आएगा किन में चेंजेस नहीं आएगा और क्या क्या चेंजेस आएंगे तो हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में नरेशन के पार्ट सेकेंड से शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड टिल देन कीप लर्निंग हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग